हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेसलिंग टॉक। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। इस वीडियो में मैं पूरा मंडे नाइट रॉ कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत करते हैं। ड्रू मैकइंटायर वो रिंग में आते हैं और वो बोलते हैं कि कल रात हेल इन अ सेल में मैं अपना WWE चैंपियनशिप हार गया, पर मैं दोबारा WWE चैंपियन बनूंगा। तभी वहाँ मिज और मॉरिसन आते हैं और वो ड्रू मैकइंटायर का मजाक बनाते कि तुम्हें अगला WWE टाइटल शॉट मिलने में 19 साल लग जाएंगे। तभी ड्रू मैकइंटायर अटैक कर देते हैं मिज और मॉरिसन पर, लेकिन किसी तरह वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें सर्वाइवर सीरीज क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स और जेफ हार्डी के बीच। और मैच के रिजल्ट की बात करें तो मैच को जीतते हैं एजे स्टाइल्स और वो क्वालिफाई कर जाते हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। अगला मैच हमें लूचा हाउस पार्टी वर्सेस ड्रू गुलाक और अकीरा टोजावा के बीच देखने को मिलता है, जहां मैच के दौरान 24/7 चैंपियन आर्ट रूथ भी दिखते हैं और सब उन्हें पिन करने की कोशिश करते हैं। और अगर मैच के रिजल्ट की बात करें तो मैच जीते लूचा हाउस पार्टी। इसके बाद हमें फायरफ्लाई फन हाउस देखने को मिलता है, जहां हमें एलेक्सा ब्लिस भी देखने को मिलती है, जहां आखिरी में वो बताते हैं कि आज मोमेंट ऑफ ब्लिस में स्पेशल गेस्ट होंगे रैंडी ऑर्टन। इसके बाद हमें दूसरा क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है सर्वाइवर सीरीज के लिए, कीथली वर्सेस अलायस। और मैच के रिजल्ट की बात करें तो मैच को जीतते हैं कीथली। अगला हमें रेट्रीब्यूशन और हर्ट बिजनेस के बीच टैग टीम एलिमिनेशन मैच देखने को मिलता है। अगर मैच के रिजल्ट की बात करें तो आखिरी में हर्ट बिजनेस में सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन बचते हैं और रेट्रीब्यूशन में मुस्तफ़ा अली और अली स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर पे और मैच डिस्क्वालिफिकेशन से हर्ट बिजनेस जीत जाते हैं। अगला मैच हमें मिज और ड्रू मैकइंटायर के बीच देखने को मिलता है, जहां मैच को जीतते हैं क्लेमोर किक लगा के ड्रू मैकइंटायर। इसके बाद हमें एडम पियर्स से अनाउंसमेंट सुनने को मिलता है, जहां वो रॉ विमेंस टीम अनाउंस करते हैं सर्वाइवर सीरीज, जिसमें शेना बेसलर, नाया जैक्स, डेना ब्रुक, मैंडी रोज के नाम लेते हैं। और फिफ्थ मेंबर के लिए हमें फेटल फोर वे मैच देखने को मिलता है पेटन रॉयस वर्सेज लाना वर्सेज निकी क्रॉस वर्सेज लेसी एवेंस। और मैच को जीतती है लाना और उसके बाद हमेशा की तरह नाया जैक्स फिर से समॉन ड्रॉप लगा देती है लाना को अनाउंसर टेबल पर। इसके बाद हमें तीसरा क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है सर्वाइवर सीरीज के लिए मैट रेडल और शेमस के बीच। और मैच के रिजल्ट की बात करें तो मैच के आखिरी में हम देखते हैं कि शेमस ब्रोक किक लगा के जीत जाते हैं मैच और क्वालिफाई कर जाते हैं सर्वाइवर सीरीज के लिए। इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ ब्लिस देखने को मिलता है, जहां स्पेशल गेस्ट होते हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन ड्रू मैकइंटायर आते हैं और ऑर्टन पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद जब मैकइंटायर क्लेमोर किक लगाने वाले होते हैं तभी लाइट बंद होती है और लाइट ऑन होने पर हम देखते हैं कि ऑर्टन रिंग के बाहर खड़े होते हैं और उनके पीछे फीड होते हैं और रैंडी ऑर्टन फीड से ना लड़कर मैकइंटायर पर ही अटैक करते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिलता है और इसके आगे क्या हुआ हमें पता नहीं चलता क्योंकि रॉ ऑफ एयर चला जाता है। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि WWE से जुड़ी ऐसी खबरें आगे भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।